तीर्थ साहब पे वोट देने के लिए कुशेश्वर स्थान में केकरा वोट देबो? तीर्थ साहब पे साड़ी कौन दिया? नीतीश कुमार। नमस्कार, मेरा नाम सांग पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में अब तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में सरकार जो है, यानी नीतीश कुमार जो हैं, वो खेल कर रहे हैं, वो वोटरों को रुझाने के लिए साड़ी बांट रहे हैं, उनके MLC जो हैं वो साड़ी बांट रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। आने वाले लोग प्रशासन के लोग, कई जगह के थाना प्रभारी, लोगों से फोन करके जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके, ब्लैक मार्केट वाले लोग जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियां बांटी जा रही है। कई MLC और डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा बांटे जा रहे हैं। यानी किसी, देख लीजिए नीतीश जी का स्पीच है 2012 में, तो असलियत दिखी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया, मांझी जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा मिला, इससे पहले कितने महापुरुषों को उन्होंने धोखा दिया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तो हद हो गई, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नाक कटे नंगा उससे बचने के लिए नीतीश कुमार जी अब शराब बिकवा रहे, साड़ी बिकवा रहे, नोट बांटे जा रहे हैं। कई कई मंत्री, कई कई विधायक जदयू के अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गए, लेकिन वहीं जमे हुए, वहीं पड़े हुए, क्यों? तो हम लोगों की नज़र जो है, हमने बोला है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर। और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे, हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं। इनकी बेमानी किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है एविडेंस, क्या है, तो लगातार हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी, हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ियों से नोट बांटा जा रहा है, जहां जहां सारी बटी है वहां वहां के लोगों को वीडियो में भी दिखा देंगे, कौन कौन मंत्री कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, किस किस होटल में, ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे। तो देखा आपने, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उनके MLC जो हैं वो साड़ी बांट रहे हैं और घूम घूम के तीर छाप के लिए वोट मांग रहे हैं कि तीर चुनाव चिन्ह है, ये साड़ी लीजिए और इसी पर वोट करिएगा। वो वीडियो भी वायरल किया है तेजस्वी कुमार ने, जो वीडियो आया है तारापुर और कुशेश्वर स्थान से, जब एक महिला को साड़ी दिया गया है और वीडियो में पूछा जा रहा है कि किसने ये साड़ी दी है, तो महिला ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ने साड़ी देकर कहा है कि तीर वाले निशान पे वो बटन दबाइएगा। देखिए क्या कुछ कह रही है ये महिला। क्या कहे, क्या कहते नीतीश कुमार साड़ी दिल का? वोट तीर छाप का। तीर छाप पे वोट देवे साड़ी, साड़ी दिल के नीतीश कुमार, तो दिखाओ साड़ी, तो साड़िया दिखाओ ना। ये तीर छाप पे वोट देने के लिए कुशेश्वर स्थान में केकरा वोट देवे? तीर छाप पे साड़ी कौन दिया? नीतीश कुमार। क्या कहा है?
नीतीश कुमार क्या की बोल के और साड़ी दिया कहे कहते छठ करने के लिए कब पर कौ आदमी को दिया साड़ी हाँ पांच आदमी के वोट अहाँ की कहल के और की कहल के कि साड़ी ले लो और तो देखा आपने साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को सारे मीडिया कर्मी को दिया और कहा कि इस वीडियो को आप सुनिए किस तरह से नीतीश कुमार गलत काम कर रहे हैं, इतनी निचले लेवल की जो राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या करेंगे ऐसी निचले लेवल की राजनीति करके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।